जो बोला उसी तरह देखे करना। कोई इनसे सीखे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में जहां टैलेंट के अलावा सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस शो में सिलेक्ट हो जाए तो आपको यहां पे टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको एक लेस्बियन बाइसेक्सुअल गे पॉर्न स्टार थ्रीसम और एनालिसिस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में संतुष्टि होगी और आप इस शो में सिलेक्ट हो पाएंगे। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं गरीबों के फियर फैक्टर रोडीज के बारे में। तो आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो एक टाइम हुआ करता था कि जब एमटीवी पे सिर्फ गाने आया करते थे, सिर्फ और सिर्फ गाने आया करते थे और एक शो आया करता था। लेकिन आज अगर तुम एमटीवी खोलोगे ना तो यार शो की बरसात हो पड़ी है और सारे शो बेसिक एक ही कांसेप्ट पे डिपेंड होते हैं, रोडीज लव स्कूल स्पिल्स विला। अरे करना क्या चाहते हो भाई, इन इंसान को पागल मत बनाओ। और ये लोग भी इतने बेरंड होते हैं कि एक शो खत्म होने के बाद नेक्स्ट शो का सीजन 2 बना देंगे, वो खत्म होने के बाद फिर एक नया सीजन का नया सीजन बना देंगे। मतलब भाई इतना कंफ्यूजन पैदा ही क्यों करते हो, अगर खत्म ही नहीं करना है तो यार शुरू ही क्यों करते हो। मतलब जिंदगी में हमारे साथ चलता क्या है भाई, क्यों हमें परेशान करना चाहते हो। अगर तुम इसे नेवर एंडिंग शो बनाना है तो चलाओ ना भाई, नया सीजन लाके हमें पागल मत बनाया करो। 2 महीने के गैप में भाई ये नए कंटेस्टेंट नहीं लाएंगे, दूसरे शो से वही कंटेस्टेंट पकड़ के नए शो में शुरू कर देंगे। और रोडीज ने ना इस चीज को कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका है यार। इसे प्रिंस को ही देख लो यार, ये 2 बार जीत चुका है और 3री बार वापस से जज बन के बैठा है। यार अगर एक बंदा कोई शो में जीत जाता है, फाइनल में फर्स्ट आ जाता है, तो नेक्स्ट सीजन में वो वापस से क्यों एडमिशन लेने को आएगा, क्यों ऑडिशन देने आएगा। नहीं, वो वापस आएगा और वापस जीत भी जाएगा और 3री बार यहाँ पे जज बन के बैठा रहेगा। क्या कंसेप्ट निकाला है यार। अगर मैं कोई शो जीत जाऊंगा ना तो मैं वहां पे होस्ट नहीं बनूंगा, वहां पे मैं सीधा एक्टर बन के बैठूंगा। यार ये चीज ना भाई बहुत सही फॉर्मूला लगाया है इन लोगों ने। अब तो भाई सभी लोगों को यही चीज करनी पड़ेगी। जितने भी लोग एक शो जीत जाते हैं ना उन्हें दूसरे शो पे जाने की जरूरत नहीं है, अगले साल वही शो पे आके फर्स्ट पोजीशन में बैठ के होस्ट करना पड़ेगा इन लोगों को। और इस भैरंड लोगों को चलाने के लिए एक ही इंसान पैदा हुआ है, वो है रणविजय सिंघा। तो आओ यार एक नजर हमारे लेजेंड गुरुजी पे डाला जाए। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए हीरो। इस बार मैं ला रहा हूं कुछ ऐसे ही रियल हीरोज। अच्छा जी, नहीं एक नजर तुम्हारे कंटेस्टेंट पे देख लो, कैसे हीरो ला रहे हैं हमारे भैया। यही तो हमारी युवा पीढ़ी है, यही तो हमारा फ्यूचर है, यही तो हमारा पीएम बनेगा जो कि सब चर्च के सामने स्ट्रिपिंग करते बैठा है। मतलब यार हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं यार, रोडीज कभी यहाँ पे स्ट्रिप के द्वारा चलाए बैठे हो भाई, ये फॉरेन नहीं है, ये इंडिया है। ऐसी हरकतें करने के बाद तुम्हें यहाँ पे रोडीज का टाइटल तो मिल जाएगा लेकिन इज्जत का ई भी नहीं मिलेगा। और अब हम एक नजर डाल देते हैं इनके कंटेस्टेंट्स पे। हम सब इतनी बात कर रहे हैं बाय क्यूरियस के बारे में, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैम मैं पहले तो डिफरेंस बताना चाहूंगी, आई एम नॉट बाइसेक्सुअल बिकॉज सो सेक्सुअली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ लड़कियों के साथ उस हद तक, बिकॉज अभी वो क्यूरियोसिटी उतनी नहीं गई है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम क्यूरियस। हमारी अखंड जिंदगी में बाइसेक्सुअल इस वर्ड को समझने के लिए पूरी अखंड ब्रह्मांड की जरूरत पड़ गई। और अब देखिए हमें कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग समझने लगा है। अब इस बंदी ने बाइसेक्सुअल के अलावा बाइक्यूरियस वर्ड की डिस्कवरी की है। यानी कि भाई एक बंदा बड़ी मुश्किल से बड़ी परिश्रम से एक वर्ड का मीनिंग समझता है और उस बड़ी मीनिंग को एक नई चीज से जोड़ देता है जिसकी डिस्कवरी तुमने खुद की हुई है। वाह, इतना टैलेंट ना भाई रोडीज में आने के लिए बहुत होता है और लोगों को भी यही टैलेंट सुनने की इच्छा होती है। और भाई ये चीज तो उन्होंने कन्फर्म ही कर दी है, तो इससे ज्यादा हमें इन लड़कियों से जानने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी ऑडियंस में से 90% या 80% लोगों को बाइसेक्सुअल का मीनिंग भी नहीं पता है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि तुम्हें इसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अगर इसका मीनिंग जान भी लिया तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई और तन्हाई ही बसेगी और कुछ भी नहीं। जय माता दी, जय भोले। जय माता दी, नमस्ते। जय भोले। नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। मिश्रा जी। हां जी मिश्रा जी। मिश्रा जी सर खुद के एटीट्यूड से इसका 50 नहीं 500 रुपए कार्ड ओवर एक्टिंग की यार, इतना तो भाई हमको भी समझता है और एक पप्पू जो 10वीं फेल है उसको भी समझ जाएगा कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है। यार इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो कि सामने वाला उल्टी कर ले और फिर भी पहचान ले कि तूने क्या खाना खाया है। अरे कहना क्या चाहते हो आप? मिस इंडिया बनना चाहते हैं? लेट्स मेक इट मोर क्लियर। यस लेट्स। मैं मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूं। और मैं जॉनी सिंस बनना चाहता हूं। मैडम जी, ये तुम्हारे कोई चोर बाजार के गली के कोई मिस पार्क वाले ऑडिशन नहीं है, ये मिस वर्ल्ड है और उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए होता है जो कि आपकी शक्ल पे देखने के लिए बहुत सारा मिल रहा है। और इन्हीं हरकतों की वजह से दीपक कलाल भी सोच रहा है कि वो अगली मूवी में सलमान खान के साथ डेब्यूट मूवी करेगा। मतलब समझ रहे हो इस देश में बेरोजगारी कितने हद तक बढ़ चुकी है कि लोग कुछ भी सपने देखे जा रहे हैं। That is not correct. He managed to get out of it and now he's playing again. What is he playing? Badminton.
मतलब हिपोक्रेसी की ना सीमा पार हो चुकी है। मतलब लड़की कुछ भी बोले सबको हंसना है तालियां बजाना, लेकिन लड़के ने कुछ भी गलत गलती से भी कर दिया ना तो उसकी बुंड फाड़ देनी है। नहीं मतलब मेरे पे मतलब विश्वास क्यों होगा, इस लड़की ने भाई कुछ गलत गेम बता, जो पाजी खेलते है भाई हॉकी, इस लड़की ने बोला पाजी खेलते है बैडमिंटन, सब फिर भी सब लोग तालियां बजा रहे, लेकिन इस लड़के ने थोड़ी सी बॉल पाजी के सामने क्या लाई, पाजी तो भड़क गए, उनके तो भाई पगड़ी पे लग गया, उनके भाई ईगो हर्ट हो गई है हमारे पाजी की, ऐसी ऐसी बातें कही है ना वो बच्चे को, वो लौंडा पैन में हक दिया होगा ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। निहारिका कम से कम 10 से 15 बाल्टी पानी ना इसके मुंह पे फेंक के मारना पड़ेगा तब जाके इसका मेकअप उतरेगा। मैं मोदी जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन मैडम जी के आधार कार्ड की फोटो पूरे जनहित में जारी कर दिया जाए, जिससे काफी सारे युवाओं की जान बच जाएगी। देखो लड़कियों का ना इस शो में सिलेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, सबसे पहले अपने आपको बायसेक्सुअल घोषित कर लेना है, अपनी जिंदगी में जितने भी लड़के आए उन्हें पागल घोषित कर देना है, उसके बाद 3-4 डबल मीनिंग बातें कर लेनी है, और आखिर में आपको थोड़ा सा मुजरा आई मीन डांस करके दिखाना है, सॉरी डांस बोलते उसे, वो करने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का इस शो में 101% हो जाएगा। पापा ने फिर मुझे फोन लगा के बोला कि जो भी तो तमाशे करिए ना चुपचाप घर आ। इन सारी लड़कियों की ना एक ही दुख भरी कहानी है, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, पति सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर सपोर्ट कर नहीं रहा है तो इतने अच्छे कपड़े पहन कैसे रहे हो, यहाँ तक आ कैसे रहे हो, बिना बताए ट्रैवल भी करे जा रहे हो, यानी कि ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है जिस सीमा को असीमित पार कर दिया है इस लौंडी ने। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा यार, ये चीज बिल्कुल मत करो यार, जितनी भी लड़कियां इस पूरे ब्रह्मांड में भाई विकसित है ना उन सब लड़कियों को डांस करना आता है, ये बेसिक चीज पूरे ब्रह्मांड में सब लोगों को आती है, और जितने भी टिकटॉक वाले लड़कियां हैं सारी यही भरनी है इनको रोडीज में, नहीं हमारे तो कोई इज्जत ही नहीं है ना रियल लाइफ में और ना ही कोई गेम में, यानी कि भाई पूरे के पूरे एल लगे पड़े हैं हमारी जिंदगी के। मैडम जी इसे डांस नहीं मुजरा एवं स्ट्रिपिंग बोला जाता है अंग्रेजी में, यार डांस का मीनिंग ना भाई अशुद्धिता बिल्कुल मत करो, इसे स्ट्रिपिंग बोलो या फिर मुजरा बोलोगे तो काफी मजे आ जाएंगे जिंदगी में। एनीवेज गाइस बस हो गया भाई, इतना भाई संतुष्टि मिल चुकी है मेरी जिंदगी में, इतना क्रिंज मैंने बहुत देख लिया, और मैं जानता हूं भाई मेरी ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग रोडीज देखते, तो नो ऑफेंस ये सिर्फ मजाक की वीडियो थी क्योंकि ये शो भी बहुत बड़ा मजाक है। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो भाई की इज्जत बढ़ेगी और यार और तरक्की होगी, और चैनल पे नए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा देना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ कभी भी कहीं भी कैसे भी वक्त, तो यार कर देना बेल आइकन भी, और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम कौन सा शो देखते हो और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और इन फ्यूचर आप आइडियाज भी दे सकते हो और मैं आपका कमेंट पिक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम साथ बात करेंगे, तो यार कमेंट कर देना लाइक सब्सक्राइब जो भी बकवास चीज है करने के बाद भाई मुझे बता दियो, और चाहते हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हो, इट्स योर विश, एंड मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Peace out. फट फट रुकने को खुदा के अलावा कौन बोला तेरे को किसी के सामने झुकने को, लेकिन मैंने तेरा भाई बहुत कुछ कहता है सहता है इतना कुछ इसलिए तो कहता है पानी से सरेगा मैं पानी सा बीवी बनेगी तो रखूंगा रानी सा, हद करीबा जिंदगी को वो गन करीबा दिल से बोलूंगा धक।